पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने कश्मीर पर हमला करके भारत में कब्जा करने का जिक्र किया है। जी हां, इस वीडियो में शोएब अख्तर भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वीडियो को देखकर कई सोशल मीडिया यूजर्स उनको लताड़ भी लगा रहे हैं। पाकिस्तान, अब आपको बता दें, अभी तक वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ एक भी मैच नहीं जीत पाया है और वहां के खिलाड़ी भारत पर कब्जा करने की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हुए अक्सर दिखाई दिए हैं। शोएब अख्तर का एक पुराना वीडियो इसी सिलसिले में नई कड़ी है। ये वीडियो जुलाई 2019 का है। इसमें शोएब कश्मीर और भारत पर हमला करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अख्तर ने पाकिस्तानी टीवी चैनल समा टीवी से इस इंटरव्यू में कहा था कि गजवा ए हिंद होगा, अटॉक नदी दो बार खून से लाल हो जाएगी, अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी, उज्बेकिस्तान से टोलियों में लोग आएंगे और तब कश्मीर पर फतेह करेंगे और इसके बाद भारत पर कब्जा कर दिया जाएगा। इस वीडियो पर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को जमकर लताड़ लगाई है और उन्हें आईएसआई का एजेंट तक बता दिया है। देखिए, शोएब अख्तर को सुर्खियों में रहना शौक है, उनको विवादों से घिरे रहना उनको शौक है, उनकी आदत है। भारत में ही नहीं, उनके जो बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, काफ़ी आलोचना उनको अपने वतन पाकिस्तान में भी झेलना पड़ता ही है। लेकिन ये पहली बार हुआ नहीं है कि भारत के खिलाफ किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कुछ कहा हो। कुछ ही वक्त पहले की बात है, बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी खिलाड़ी हसन अली ने कुछ ऐसी हरकतें की थी, काफ़ी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जिसे कहेंगे, वो उन्होंने दर्शाया वहाँ पर। शाहिद अफरीदी ऐसी बातें करते रहते हैं। कश्मीर और पीएम मोदी को लेकर कुछ टाइम पहले उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। तो एक तरफ इस किस्म के बयानात आते रहते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों से, दिग्गजों से, और दूसरी तरफ इनका जो बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो हमेशा कहता रहता है कि जी हमें तो भारत के साथ क्रिकेट खेलना है, हमें भारत के साथ बायलैटरल सीरीज खेलनी है, लेकिन भारत की तरफ से कोई हमें रवैया अच्छा लगता या जवाब वो देते नहीं है, ऐसा क्या है, क्यों नहीं है। तो ये साफ जाहिर है, साफ दिखता है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी और उनकी नीयत क्या है, ये पूरी तरह से साफ हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है इस तरह के बयान और इस तरह के विवादों से।